जो दास अनिरुद्ध है ना, कृपा क्या होती है, ईश्वर की कृपा क्या होती है, कोई जाने ना जाने, मैं जानता हूं कि ईश्वर की कृपा क्या होती है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है, कृपा का अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो 1,00,000 बार अपने ठाकुर जी अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है। मैं तो हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस करता हूँ। मैं यहाँ बैठकर आपको कथा सुना रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, ये भी ईश्वर की कृपा है। मैं अपने बल से तो बोल भी नहीं पाता, मेरा अपना बल नहीं है कि मैं बोल सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं, इसलिए हर क्षण गोविंद की कृपा को महसूस करना चाहिए। जिन लोगों पर अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई, शायद उन्होंने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। एक बात बताओ, एक लड़की जिसका 3 दिन बाद विवाह होना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को सुन लोगे तो आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात बताओ, एक लड़की है, उस लड़की से आपका विवाह होने वाला है, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों का विवाह फिक्स हो गया, ठीक 3 दिन बाद विवाह होने वाला था। विवाह 3 दिन बाद होने वाला था कि वो लड़की आज ही बीमार पड़ गई, और बीमार जब पड़ी तो ये बताओ उसकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा, लड़की के माता पिता उठाएंगे या जहां शादी होने वाली है वो ससुराल पक्ष उठाएगा, बोलो उस लड़की की बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने में 3 दिन बाकी हैं, तो बताओ लड़की बीमार हुई है और उसकी बीमारी में 10,00,000 रुपए लगने हैं, बताओ वो 10,00,000 कौन लगाएगा, ससुराल वाले लगाएंगे या मायके वाले लगाएंगे, बोलो माँ बाप लगाएंगे, मायके वाले लगाएंगे। और शादी होते ही बीमार पड़ जाए लड़की, शादी हुई ससुराल आई और ससुराल में कोई दुल्हन बीमार पड़ जाए और उसके इलाज में 40,00,000 रुपए लगने हो, तो कौन लगाएगा, ससुराल वाले। शादी के पहले लड़की बीमार हुई तो उसका खर्चा माँ बाप उठाएंगे, और शादी के बाद ससुराल गई और बीमार पड़ गई तो खर्चा ससुराल वाले। सिंपल है, उस लड़की ने अभी तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए उसका खर्चा ससुराल वाले नहीं उठाए, पति नहीं उठाया, पर शादी हो गई तो पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो उसका सारा खर्चा उसके पति उठाते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो फिर भक्त का सारा खर्चा भगवान उठाने लग जाते हैं। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है हम पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब तुमने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, मैं कृष्ण का हूं, बात खत्म, परिवार मेरा नहीं भगवान का, ये बच्चे मेरे नहीं कृष्ण के हैं, हे नाथ सब कुछ आपका, मेरा ये शरीर आपका, मेरा ये मन आपका, मेरा परिवार आपका, मेरी कमाई इनकम सारी फैक्ट्री मकान दुकान जमीन जायदाद गोविंद मैं सब सौंपता हूं तुम्हें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। पूरी जिंदगी में इंसान भगवान को सौंप नहीं पाता, इसलिए लोग परेशान हैं। आप समर्पण कर नहीं पाते इसलिए परेशान हैं। जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान देखना आप की कैसी रक्षा करते हैं। समर्पण नाथ तुम जिंदा रखो तो हम जिंदा भी रहें, तुम मार दो तो तुम्हारी रजा मारने में है तो हम तुम्हारी रजा में ही, अपनी रजा अर्थात तुम्हारी इच्छा में, अपनी इच्छा, हम तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए मर भी जाएं, ना तो हमें जीने से
शौक है, ना तो मरने से शौक है, ना जिंदगी का शौक है, ना मृत्यु का शौक है, हमें तो अपने गिरधर गोपाल का शौक है। वो जहाँ भेजे जैसे रखें हम तो वैसे, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। जिस गैर में भगवान चलाना चाहे, हम तो भगवान की गाड़ी हैं। जैसे आपकी गाड़ी आपके पास है, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आप रिवर्स में चलाना चाहें तो रिवर्स में चलेगी गाड़ी, पीछे जाएगी। आप फर्स्ट गियर पे चलाएं तो गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड में चलाएं, थर्ड में चलाएं, आप चौथे नंबर पे गाड़ी चलाएं तो चार नंबर पे, पांच नंबर टॉप पे गाड़ी चलाएं तो टॉप पे चलेगी। गाड़ी आपकी है, आपके मर्जी से चलती है। उसी प्रकार आप भी भगवान की गाड़ी बन जाओ, आप अपनी मर्जी से ना चला करो, भगवान की मर्जी से चला करो। उस दिन आप सुखी हो जाएंगे जिस दिन आप भगवान की मर्जी से चलने लगेंगे। अभी तक हम अपनी अपनी मर्जियां चला रहे, भगवान हमें ये मिल जाए और नहीं मिला तो भगवान तुम गंदे हो, भगवान तुम बुरे हो, भगवान ने तो दिया नहीं, तुम अपनी इच्छा क्यों चला रहे हो। भगवान से कह दो कि ना हमें ये पसंद है, हम चाह रहे हैं। अब भगवान दे तो खुश रहो, नहीं दे तो भी खुश। जो ठाकुर जी की इच्छा। एक बहुत बड़े भगत की मुझे स्मरण कथा याद आ गई। एक बहुत अच्छा भगत था, नाम था राम गोपाल। राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति भगवान से वैसे ही प्रेम करता था जैसे मैं कह रहा हूं। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता था, भगवान से पूछ के सारा काम करता था। वो किराए के घर में रहता था, अभी खुद की छाया नहीं थी। राम गोपाल बहुत छोटा सा काम करता था, महीने के 20,000-25,000 रुपए कमा लेता था। उसी 25,000 में बिजली का बिल, किराया, भाड़ा, दाल चावल, रोटी, बच्चों की पढ़ाई, 25,000 में थोड़ा सा बचा लेता था। राम गोपाल की इच्छा हुई, भगवान से बोला, हे श्याम सुंदर, मेरी इच्छा है कि किराए के घर में रह रहा हूं, प्रभु एक आपका छोटा सा घर हो जाता तो मैं आपके घर में किराए से रहता, बस मेरी ये इच्छा है। तो राम गोपाल ये कहकर के पास में ही जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके पास गया और वहां पर एक फ्रंट का प्लॉट उसने देखा। प्रॉपर्टी डीलर से कहा, भैया हमें एक प्लॉट चाहिए घर बनाने के लिए। उसने दिखाया, 30x50 का एक बढ़िया सा प्लॉट दिखाया। बोले ये बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया प्लॉट है। राम गोपाल बोला, भैया कितने का प्लॉट पड़ेगा ये। उसने कहा, ये 5,00,000 का प्लॉट है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 5,00,000 का। राम गोपाल बोला, 5 का आ जाएगा, कुछ कम हो जाए तो 2 पैसे बच जाए। ना ना ना, बिल्कुल 5 से 1 रुपए कम। राम गोपाल बोला, फिर डन, मैं आपको परसों रजिस्ट्री कराऊंगा, परसों इसकी रजिस्ट्री करना है, 5,00,000 में तय। प्रॉपर्टी डीलर बोला, बिल्कुल तय, पर सुनो कुछ एडवांस देकर जाओ। राम गोपाल बोला, सुनो अभी मेरे जेब में मात्र 5,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या मैं 5,000 एडवांस दे दूं। हाँ हाँ चलेगा, परसों आप रजिस्ट्री आकर करा लेना। राम गोपाल घर पहुंचे और घर पहुंचे पता नहीं क्या हुआ, राम गोपाल बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े, अब परसों रजिस्ट्री करानी है, वो बीमार आज पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। कल का पूरा दिन वो बीमार रहे, परसों आई, राम गोपाल जी खड़े हुए, तैयारी से गए। प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया, भाई साहब हम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए हैं, आप कितनी देर से आ रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, भाई आप तो कल आके मना कर गए हो प्लॉट। राम गोपाल बोला, हे राम, बात हुई थी परसों रजिस्ट्री, आज रजिस्ट्री करनी है और आप देखिए अपनी बात से मुकुर रहे हैं, हम 5,00,000 लेकर खड़े हैं, आप आइए रजिस्ट्री कराइए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, आप कल आए थे और कल आप मना करके गए हैं कि हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, और आज हम आपका 5,000 वापस भी करना चाह रहे हैं एडवांस जो आपने दिया है। राम गोपाल जी बड़बड़ाते हुए बड़े गुस्से में घर आ गए कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। घर आया और बहुत उदास हो गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ। अरे एक सौदा किया था, घर बनाने की इच्छा थी कि ठाकुर जी को वहीं रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी है।
वो आदमी फिर भी खुश रहा, फिर भी भगवान को प्रणाम, प्रभु आपकी जो इच्छा, आप देना चाहते हैं सो दीजिएगा, नहीं देना चाहते प्लॉट मत दीजिएगा, मैं तो आपका हूं बस। तीसरे दिन अखबार में आया कि वह प्रॉपर्टी डीलर, वो जो प्लॉट बेच रहा था वो फ्रॉड प्लॉट थी, गलत जगह, विवादित जगह थी, किसी की जमीन थी और कब्जा कोई करके बेच रहा था। वो प्रॉपर्टी डीलर जेल चला गया और उस प्रॉपर्टी डीलर ने जिसको बेचा वो प्लॉट वो भी जेल चला गया। अब ये राम गोपाल दंग रह गया, हे भगवान मैं खरीद लिया होता तो मेरी फोटो अखबार में छपती और मैं जेल में होता। अब इसे लगा कि मैं जिस दिन बीमार था शायद भगवान ही मेरा रूप बना के भगवान गए और प्रॉपर्टी डीलर को मना करके आए। भक्तों एक बात याद रखिएगा, जीवन में जब आप भगवान को आत्मसमर्पण कर देंगे उस दिन से आपका सारा काम भगवान करेंगे और जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा, आप बस संतोष रखते चलिएगा। आप यदि कोई गलत निर्णय लेंगे तो भगवान आपको उस गलत निर्णय से बचाएंगे। जब समर्पण होता है ना भगवान के चरणों में तो यही होता है, भगवान आपको कभी गलत व्यक्ति से नहीं उलझाते, भगवान कभी आपको गलत व्यक्ति से नहीं मिलाते, आपका एक रुपए का भगवान नुकसान नहीं होने देते तब जब आप समर्पण कर देते हैं तब। ये समर्पण के बाद का विषय बोल रहा हूं, आपने समर्पण नहीं किया तो आपके लिए ये सुविधाएं नहीं है। विश्वास भगवान में हो, उस दिन से वो राम गोपाल भगवान का और भजन करता, अंत में भगवत कृपा से उसका एक घर हुआ, वो वहां चला गया, आनंद से जिंदगी यापन करने लगा, भगवान पे अटल विश्वास रखा। हम सबको भी रखना चाहिए। भगवान थोड़ा से बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन करवट बदली, माँ यशोदा ने उत्सव रखा, शकटासुर आया छकड़े पर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त आया तृणावर्त को मार गिराया। भगवान ने अब माँ यशोदा बड़ी डरी के लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, तब गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, गर्गह पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहा तपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर बच्चे का संस्कार होना चाहिए, बिना संस्कार के अधूरा है जीवन। और मैं आप सभी से बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिएगा, कोई गलती ना हो बच्चों की परवरिश में, कल पश्चाताप करना पड़े, कल रोना पड़े, उससे अच्छा है आज ही सावधान रहो। आज लोग रो रहे हैं, बच्चा बिगड़ गया, रास्ता भटक गया, अरे भाई आप तब सावधान क्यों नहीं थे जब बच्चा आपके वश में था, क्यों नहीं आप सावधान थे, आप क्यों नहीं सावधानी का पालन करते। आज हमारे भारत में कोरोना के केस दिनों दिन कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि भारत के लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो मास्क लगा रहे हैं ना दो गज की दूरी रखते हैं और बाद में संक्रमित तो हो जाते हैं, फिर रोते हैं कि ये समस्या है वो समस्या। अरे आप अपनी सुरक्षा रखिए, थोड़ी सी दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, हाथ बार बार धुलिए, इससे क्या होगा, आप जब सुरक्षित रहेंगे तो कल को आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का मुख नहीं देखना पड़ेगा, बस आप अपना ध्यान रख लें। ये मुसीबत का समय है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ा सा तो सब्र रखें और थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप कोरोना के केस कम हो जाएंगे, भारत का हर व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए तो। लापरवाही के कारण सब कुछ होता है, किसकी लापरवाही है मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि आप किराना
खरीदने भी जाएं, साग सब्जी खरीदने भी जाएं, तो आप जरूर मास्क लगा करके दो गज की दूरी का पालन जरूर करें, ताकि आपको और आपके परिवार को यह संक्रमण ना हो। नहीं तो हॉस्पिटलों में आप देख रहे हैं बेड भी खाली नहीं है। इस समय आपको अपना ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवारों को बचाइए, इसी से आपकी विजय है, इसी से आपकी जीत है। हम लोगों की भी यही हालत है। बच्चों के लिए हम लापरवाही करते हैं, बच्चों को लेकर। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, माँ बाप रोकते नहीं है, और जब वो ज्यादा ही रास्ता भटक जाते हैं तब माँ बाप रोते हैं, महाराज जी बच्चा बिगड़ गया, अरे जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने रोका क्यों नहीं, समय से एक्शन क्यों नहीं लिया। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आदत मोबाइल चलाने की हो जाती है, फिर माँ बाप मोबाइल मांगते हैं सो रोते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे करके रखते हैं, उनका पर्सनल मोबाइल है बच्चों का। अरे मोबाइल होना बुरा नहीं है, बातचीत करने के लिए मोबाइल रखो, छोटा वाला मोबाइल जिसमें केवल बात हो सके। बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है, बड़ा फोन देने की क्या जरूरत है। बच्चे छोटे हैं, अभी मोबाइल चलाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। माँ बाप ना कई बार ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये सुख सुविधाएं भी बच्चों का भविष्य बिगाड़ देती हैं। अधिक सुख सुविधाएं भी नुकसानदायक हैं। हमारे जवानों की जो ट्रेनिंग होती है, जो फौजी भाई होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनको जो तैयार किया जाता है, ये सुख सुविधाओं से तैयार नहीं किया जाता। इन्हें भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, ऊपर से कुदाया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। यदि इन सारे फौजी जवानों को एसी में बिठा दिया जाए और कोई ट्रेनिंग ना दी जाए, बस बंदूक पकड़ा दी जाए, तो आतंकवादियों से क्या ये सामना करेंगे? अरे हर मुसीबत में इन्हें पानी में कैसे, नदियों को कैसे पार करना है, इनके पीठ में 20 किलो का वजन है और नदियों को पार करना है। रेतीली जगह है जहां रेत ही रेत है और आपकी पीठ में 20 किलो का वजन है और रेत में चलना है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हर समय पता नहीं कौन सा वक्त कब आकर खड़ा हो जाए। जंगलों में भी आपको 5-5 दिन ना पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा, उस स्थिति में भी आपको कैसे रहना है, ये भी ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है, ताकि पता नहीं कब जंगल में आप फंस जाएं, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो और अपनी जान बचाने की नौबत आए, तो आपको प्यासा रहना पड़े तो कैसे रहना है, भूखा रहना पड़े तो कैसे रहना है। उस हाल में भी जीने का तरीका हमारे देश के जवानों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि हर स्थिति से निपटने के लिए हम बिल्कुल रेडी रहें, रोने ना बैठे कि जंगल में फंस गए, नदी में फंस गए। हर हाल की तैयारी पहले से करो। उसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कि बेटा कि तुम्हारे रास्ते में यदि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी मतलब कुसंग को मैं आतंकवादी कह रहा हूं, कुसंग, यदि आपके बच्चों के जीवन में कोई कुसंग आ गया तो उस कुसंग से आपके बच्चे कैसे बचेंगे? क्या आपने उन बच्चों को कुसंग से बचाने का कोई तरीका बताया है, कोई ट्रेनिंग दी है? नहीं दी है ना, तो कुसंग का असर उस पर चढ़ जाएगा। शराबियों की संगत में बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, जुआनियों की संगत में बैठेगा तो जुआ खेलना सीख जाएगा, शराबियों की संगत में बैठेगा शराब पीना सीख जाएगा, गंजेड़ियों की संगत में बैठेगा गांजा पीना सीख जाएगा, वैश्याओं की संगत करेगा तो वैश्यागामी बन जाएगा। जैसी संगत मिलती जाती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि तुम्हें कहीं गलत रास्ता मिल भी गया तो उस गलत मार्ग से तुम्हें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये ट्रेनिंग कौन देगा? माँ बाप नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए कहा करता हूं बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कुसंग से बचने की। मांसाहारियों का संग करेगा तो बच्चा मांस खाने लग जाएगा। मैं जानता हूं मेरी उम्र, जब मैं छोटा सा था मैं अपने इस 30 वर्ष की आयु में मैंने सारी चीजें देखी हैं अपने जीवन में, और जो देखा है मैं वही बात आपसे शेयर करता हूं, वही बात आपको सिखाता हूं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब मैं देखता था,
मेरी उम्र के बच्चों को गंजेड़ी लोग बिठाते थे अपनी जगह पर और उसे गांजा पिलाना सिखाया करते थे। मैं भी वहां बैठा करता था पर मैं गांजा नहीं पिया करता था। मेरे दोस्त लोग, मैं रोकता था, मत पियो, इसकी संगत ना करो। एक गलत व्यक्ति था, वो गांव के सारे बच्चों को गांजा पिलाना सिखाता था और आज लगभग सारे बच्चे उसकी चपेट में आ गए। मैं भी बैठता था पर मैं पीता नहीं था क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग दी थी कि तुम्हें इस गलत रास्ते पे नहीं जाना। और उस ट्रेनिंग का परिणाम ये है कि मैं शराबी जुआड़ी ना बन के आपके बीच में बैठकर भगवान की कथा सुना रहा हूं। इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो। मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग ना दी होती, मेरे संस्कार ना होते तो मैं भी कब का शराबी बन गया होता, मैं भी कब का जुआड़ी बन गया होता। क्या मेरे पास जुआड़ियों की संगत नहीं थी? मैं छोटा था, हमारे यहाँ गांव में लोग जुआ भी खेला करते थे, हमारी उम्र के बच्चे भी ढेर जुआ खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। जुआड़ी, ताश खेलते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। मेरे अपने दोस्त शराब पीते थे, मैं उनके पास जाकर बैठता था, मैं मना करता था शराब ना पियो। मांस खाते थे, मना करता था मांस ना खाओ। उनके पास मैं रहकर भी हर बुराई से बचा हूं। क्यों बचा हूं? क्योंकि संस्कार बचाते हैं, परवरिश बचाती है। आपके अंदर जो ज्ञान की किरण है ना, वो यदि एक किरण जल जाए, ज्ञान की एक रोशनी आ जाए, तो आप अंधकार में जाने से बच सकते हैं। आज जो नशे में धुत लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके ज्ञान की किरण एक भी दिया ज्ञान का जला नहीं, विवेक का एक भी दिया जला नहीं। जल गया होता लड़कपन में, माँ बाप ने जलवा दिया होता, गुरुजनों की संगत करवा दी होती तो ये दुर्दशा ना होती। मैं बचपन में सबकी संगत किया हूं, शराबियों के पास, जुआनियों के पास, गंजेड़ियों के पास। छोटा सा था गांव, छोटा था, सबके बीच में बैठना होता था, सबके साथ जाकर बैठते थे, खेलते थे, सबके साथ सबकी बातें सुनते थे, पर उनका कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। शायद भगवान को मेरी वृद्ध माओं की सेवा मेरे से करानी थी, शायद भगवान को मेरे द्वारा आप तक अपनी कथा पहुंचानी थी, इसलिए भगवान ने मुझे हर कुसंग से, हर बुरा, मेरे रास्ते में भी, मेरे जीवन में भी बहुत कुसंग आया है। छोटा था मैं तब, जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, 18 साल का था, तब तक ये कुसंग था, पर भगवान हर कुसंग से बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। कैसे कुसंग से बचाएंगे आप? आपको पता है, आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल तो देखते ही होंगे। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था तो उसमें, एक तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर, और जब देखता हूँ तो कोई विशेष चीज ही देखता हूँ जिसमें कुछ ज्ञान मिले। फोकट की और व्यर्थ की चीजें नहीं देखता मैं, अपना समय खराब नहीं करता व्यर्थ। आप लोग सीरियल देखते हैं, मैं भी कई बार कोई सीरियल देखता हूँ तो उसमें से कोई बढ़िया चीज पकड़ लेता हूँ कि ये मेरे मतलब की, बस ज्यादा नहीं। मैं किसी चीज का आदी नहीं हूं। मेरा स्वभाव यदि मैं आपको बताऊं तो मेरे स्वभाव ऐसा है, मैं आज तक किसी चीज का आदी नहीं हुआ, एक चीज का आदी हूं बस, केवल कथा सुनाने का आदी हूं। जिस दिन मैं कथा नहीं सुनाता मेरा मन नहीं लगता, मैं कथा सुनाने का आदी हूं, ये मेरी आदत है। मेरी इसके अतिरिक्त तो कोई आदत नहीं है, ना तो मेरी चाय पीने की आदत है, ना तो मेरी प्रपंच पंचायत करने की, मैं निंदा बुराई चुगली करने की भी मेरी आदत नहीं है, ना मैं कभी सुनता। मेरे आसपास कोई कहने लग जाए कि फला व्यक्ति ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा, मैं कभी नहीं सुनता किसी की चर्चा। मेरे को क्या लेना देना उस व्यक्ति के बारे में जानकर, समझकर, सुनकर, किसी से मतलब नहीं। अपने राम भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का नाम जपो, माताओं की सेवा, वृद्ध माताओं की, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र बांटना है, अन्य क्षेत्र की सेवा करना है, हजारों लोगों को भोजन कैसे देना है, अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनाना है, इसमें मैं विचार करता हूँ। माताओं को और क्या आनंद से उन्हें सुख सुविधाएं देना है, उस पर विचार करता हूँ। व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का प्रपंच नहीं, कोई नशा नहीं जीवन में। मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती, और आपको बता दूं मैं खाता क्या हूं, मुझे खाने में पसंद क्या है। मुझे जब भूख लगती है मैं दिन में एक ही बार खाता हूं, केवल सुबह। जब मुझे भूख लगती है तो भोजन करते समय मैं सामने जब बैठ जाता हूं आसन में, उस समय मेरे सामने जो आ जाए, कोई भी प्रकार की सब्जी हो, दाल चावल सब्जी रोटी, में
किसी कोई भी प्रकार की दाल हो, कोई भी प्रकार की साग हो, जो आ जाए उसे मैं भगवान को भोग लगाकर वो खा लेता हूं, वो खा लेता हूं। मेरी कोई अपनी शौक नहीं है कि मुझे यही सब्जी होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए, ना, जो है वो खाओ, जो नहीं है उस पर कल विचार कर लेंगे भाई, उसकी इच्छा है तो कल, आदि नहीं कि हमें यही चाहिए, ना, कोई लेना, पेट भरना है, भगवान को जो भोग लग गया वो प्रसाद बन गया, वो ग्रहण कर लो बस। जीवन में आपको संयमी बनना पड़ेगा, आपकी जो इच्छा, आजकल लोगों को हम देखते हैं कुछ भी मिल जाए खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्यों खा रहे हो कुछ भी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, अन्न अच्छा तो मन अच्छा, शुद्धि अच्छी तो बुद्धि अच्छी, संग अच्छा तो रंग अच्छा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आप भी अपने जीवन में सब कुछ भगवान को सौंप कर भगवान के मुताबिक ये जिंदगी जियो बस।